ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଏଥର ଆମେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆମର ମୋଟୋ ଏଇଟା ଅଛେ କି ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସୋ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ କଲେଜ ପିଲା ଅଛନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ ସବେ ନିଜର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଉଛେ ଆମେ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ କର୍ମା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ୟୁଥ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର କାଣା ଭାଗିଦାରୀ ରହିବାର କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଏସବୁ କମ୍ପିଟିସନର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାର୍ମା ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଛିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ G20ରେ ବି ଆମର ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 85% GDP ଆଉ 2/3 ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଆଉ 75% ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମର G20 କଭର କରୁଛେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକେ ମିଳିଛେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେମୋକ୍ରେସି ଲାଗି ବହୁତ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ ଆମର ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ସବେ ଦେଖିଛନ୍ ଆମେ ମାନେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ମିଶି ମିଲିକରି ରହିସୁଁ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଲାଗି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ଫେମସ୍ ହଉ ଏନ୍ଜୟ ସେ ଜ୍ୟାଦା ୟେ ନଲେଜେବଲ୍ ଥା ଔର ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥା ୟହାଁ ପେ ଆକର କେ ମୁଝେ ବହୁତ ସାରି ଚିଜୋ କେ ବାରେ ମେଁ ପତା ଚଲା ଜୈସେ କି ଅଭି ଲାଇକ କୋଭିଡ୍ କେ ବାଦ ଦୁନିଆ ମେଁ କୈସେ ସିଚୁଏସନ୍ସ ହେ ୟା ଫିର ଜୋ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି ହେ ଓ କିସ ତରିକେ ସେ ସଫର କର ରହି ହେ ଆଣ୍ଡ ୟହାଁ ପେ ଜିତନେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥେ ସିନିୟର୍ସ ଥେ ୟହାଁ ବାକି କେ ଜିତନେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଥେ ବାକି କେ ସ୍କୁଲୋ ସେ ଉନକେ ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ୟା ଓ ଲୋକ କିତନା ଜାନତେ ହେ ୟା ଉନ୍ହୋନେ କିନ୍ କିନ୍ ଚିଜୋ କେ ବାରେ ମେଁ ପଢ଼ା ହେ ୟା ଓ କିସ ତରିକେ ସେ ସୋଚତେ କି ହମ ସାରି कंट्रीज साथ आकर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर सकते हैं तो उन सब के बारे में जानने को मिला एंड एन्जॉयबल तो था इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस G20 बेसिकली ग्रुप है ऑफ अबाउट 20 नेशंस ये नेशंस सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल हमारे वर्ल्ड में हैं अंडर डेवलप्ड इमर्जिंग सब ये अराउंड 70-80% ऑफ द GDP पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पूरा पॉपुलेशन को कह सकते हैं कि इट्स अ फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत सीखने को मिला जैसे हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं हमें नहीं मालूम कि कॉलेज में हमारा लाइफ क्या होगा कि हम किस कॉलेज में जाएंगे कुछ नहीं बट यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को देख के बहुत रीअश्योरेंस मिल रहा है कि जहाँ भी जाएंगे अच्छा लाइफ होगा और बहुत नॉलेजेबल था इन देख के लग रहा है कि इन्हें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है इन्हें बहुत कुछ पता है इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और यहाँ पे हमारा G20 का प्रोग्राम जो चल रहा है एक एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन चल रहा है क्योंकि G20 के बारे में अवेयरनेस जो है ताकि हमारे बच्चों को पता चले और आसपास जो स्कूल्स के बच्चों को पता चले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन के थ्रू बच्चों को हम इस टॉपिक पे कि G20 एक्चुअली में करता क्या है उसका स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे G7 वाले ऑर्गेनाइजेशंस ही थे किंतु सही ऑर्गेनाइजेशंस रे खाली डेवलप्ड कंट्रीज थे और G20 आसे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज सब एक साथ आसिकी अच्छा सो डेवलपिंग कंट्रीज रो भी इश्यूज जो अच्छी सेटा एड्रेस किया जा सकता है G20 में जो हमारे गवर्नमेंट का स्कीम है ये अवेयरनेस फैलाना और इंडिया का जो लीडरशिप रोल ले रहा है अभी वर्ल्ड में तो उसमें जो जन भागीदारी है सबका इन्वॉल्वमेंट हो सबको अवेयरनेस फैले वो हमारा एम है तो उसी के तहत हम ये करा रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है।